दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने कई सारे एरोमा एयरफोन्स, ब्लूटूथ एयरफोन्स के मैंने रिव्यू किए, नेक बैंड के स्पेशली, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इसके एयरफोन्स में, क्योंकि इसके जो एयरफोन्स है उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, और इस प्राइस में इतना सारा फीचर्स मिलना, मतलब अगर आप नॉर्मली अगर आप कोई भी एयरफोन्स में अगर आप जाके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसमें पे करना पड़ता है, और उसके बाद भी आपको वैसा स्पेसिफिकेशन नहीं मिलता है। इसके एयरफोन्स मैंने स्पेशली ट्राई किए, कई सारे मैंने इसके वीडियोस बनाए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। मैंने इसके एयरफोन्स कई बार यूज़ किया है, तो मैंने ये पाया कि जो नॉर्मली जो एयरफोन्स है जो हम लोग देखते हैं बोट के होते हैं, एमआई के होते हैं ना, जो ब्लूटूथ होता है जिसके प्राइस लगभग 1200 या फिर 1800 होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी ऐसा इतना प्राइस पे करना चाहता है, और किसी का कोई लोग ऐसा भी होता है जिसका बजट काफ़ी कम होता है और वो लोग सोचते हैं कि नहीं पहले मैं अच्छा खासा बना के फिर ले लूँगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो जो उनका जो प्राइस है वो ब्रांड के ऊपर वो लोग सेट करते हैं, और वो ब्रांड के लिए ही मतलब वो उतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, बाकी जो मटेरियल है इतना कोई कॉस्टली नहीं है। जो ब्रांड का मटेरियल होता है वो तो और ही चीप होता है, क्योंकि उसको सस्ते भाव में मिलता है, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इनकी जो प्राइस ऑलरेडी कम है, इनको थोड़ा महंगे दाम में मिल रहा है लेकिन फिर भी इसकी प्राइस कम है, तो आप सोचो कि कितना कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अगर हमने ये वाला ले लिया तो फिर आने वाले टाइम में हमको फिर बता सर्विस क्या होगा। पहली बात तो समझना है कि ये ब्लूटूथ एयरफोन है, तो इसमें सबसे पहला 10 दिन अच्छे से चेक करें कि कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ एयरफोन है, सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर भी है, बिकॉज सॉफ्टवेयर से ब्लूटूथ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें सब सॉफ्टवेयर से सब होते हैं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 10 दिन चेक करो, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके बाद फिर आप देख सकते हो आगे का। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एरोमा का फिर से एक आया है प्रोडक्ट, क्रेजी वाला, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस है, 284 रुपीज़ का समथिंग आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। तो ये वाला जो एयरफोन है, मुझे जो लगता है कि इसकी जो मैं क्वालिटी जब मैं देखा, तो क्या ये आपको इतने प्राइस में आपको लेना चाहिए 284 रुपीज़ में? तो बेसिकली यहाँ पर मैं आज आपको पूरा क्लियर कट बताऊँगा, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे एयरफोन्स हैं जिसके कुछ ज़्यादा प्ले टाइम बताया गया, कुछ का कम बताया गया, तो वो हिसाब से मैंने इसका बैटरी देखा, तो लगभग मैंने देखा कि ये अगर आप इसे कंटिन्यू यूज़ करते हो तो आपको एक दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं गलाऊंगा। उसके बाद इसकी जो साउंड क्वालिटी है, मुझे लगभग आप अगर मुझे पूछोगे कि एरोमा के जितने भी एयरफोन्स हैं सबकी क्वालिटी, सबका मुझे एक जैसा ही मुझे लगता है, डीप बेस ये सारा चीज़, तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया क्वालिटी वाइज में। बट या थोड़ा बहुत क्रिस्पीनेस जो है वो 119 बादशाह जो है, और जो टाइटेनियम तो काफ़ी आगे है इससे, उससे थोड़ा कम है, तो क्वालिटी वाइज भी मतलब अच्छा है। 15 आवर्स का प्ले टाइम बताया गया, तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, अगर आप एक हैवी यूज़र हो तो आपको दिन में 2 बार आपको चार्ज करना पड़ेगा, ये एक इसका एक होता है। और इसके बाद में आता है आपका बिल्ड क्वालिटी मुझे इसका अच्छा लगा, जो बादशाह से अगर आप कंपेयर करोगे, जो नेक बैंड है वो ज़्यादा ये नहीं होता, मतलब बेंड नहीं होता, थोड़ा टाइट है, तो वो एक अच्छी बात मुझे लगा है। बट एक ही चीज़ इसका ड्रॉबैक ये लगता है कि ये लोग बहुत लंबे नेक बनाते हैं, और इस वजह से क्या हो जाता है कि मतलब उसे मतलब बहुत लंबा निकलता, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। माइक्रो कॉल कनेक्टिविटी इसका काफ़ी अच्छी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से काफ़ी अच्छी है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और कॉल कनेक्टिविटी और साउंड क्वालिटी, बेस वगैरह सब कुछ इसका अच्छा। अगर कुछ चीज़ मिस कर दिया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इस प्राइस रेंज पर मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा, अगर आपका बैटरी का कोई मेन प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये बोलूँगा कि अगर आप पे कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा पे करके अच्छा बैटरी बैकअप वाला आप ले लीजिए, जिसमें आपको कम से कम तो भी 5 दिन का तो भी आपको बैटरी मिलना चाहिए, क्योंकि 2 दिन बाद भी चार्ज करना बार बार आपको दिमाग बाद में ख़राब हो जाएगा। तो जिसका प्ले टाइम है 70 आवर्स, एक्चुअली इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है ऐसा जो एक हफ्ते तक इसका बैटरी दे सके, लेकिन जैसा आता है या फिर मुझे कोई ऐसा मिलता है तो मैं आपको उसका वीडियो ज़रूर बना के दूंगा कि कितना उसका बैटरी है, क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे वो परचेज़ करना पड़ेगा अगर उस दुकान में ना रहा तो। लेकिन उस दुकान में कभी मुझे मिल जाता है तो फिर मैं वो चीज़ों भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो सारे के सारे वो लोग जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ही रखते हैं, तो उस वजह से सारे के सारे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में ही होते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर आपने इनको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारे ऐसे एयरफोन्स के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पर्सनली इंटरेस्टेड होंगे, तो आप सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पर प्रेस ज़रूर करके रखना।